ओके तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरटीएमएनयू नागपुर यूनिवर्सिटी के तरफ से जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो एमएससी कर रहे हैं या फिर एमए कर रहे हैं, जितने भी कोर्सेस आते हैं पीजी के अंतर्गत, वो बच्चों को कुछ इस तरीके के मैसेजेस आए। हाँ, कुछ को नहीं आए तो क्या करना है, और अगर आया है तो क्या करना है, इस वीडियो में हम लोग फुली डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा है कि डियर स्टूडेंट काइंडली लॉग इन, एक लिंक दी हुई है विद यूजर नेम, पासवर्ड दिया हुआ है फॉर कंप्लीटेशन ऑफ पीजी डिपार्टमेंट एडमिशन प्रोसेस आरटीएमएनयू वाया एमकेसीएल। आप लोग को याद होगा, अभी कुछ रिसेंटली 2 से 3 महीने पहले आप लोगों ने अपने एडमिशन लिए हो फॉर पीजी कोर्सेज के लिए। तो आप लोगों ने क्या किए थे, आरटीएमएनयू की वेबसाइट के ऊपर गए थे, फिर वहां पर आप लोग को फॉर्म भरना था, फिर आप लोगों ने डिटेल्स भरे थे, और वो डिटेल्स आप लोगों ने जो भरे थे वो आप लोग को 2 ईयर्स का जितना भी आपका पीजी का टाइम ड्यूरेशन होता है उस वक्त आप लोगों को वो डिटेल्स काम में आती है, क्योंकि आप लोग का जितना भी डाटा होता है वहाँ पर सेव होता है। तो जब भी आप लोग एडमिशन करते हो तो वो जो डाटा है वो आरटीएमएनयू ले लेती है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी ले लेती है। तो ये ऐसा मैसेज क्यों आया है और ये क्यों बोल रहा है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करो? तो अब कुछ बच्चे हैं ये बोल रहे थे कि यार हमने एडमिशन के टाइम में क्या पूरा फॉर्म नहीं भरा था, क्या हमारे ही फॉर्म में गलती है? तो देखो बेसिकली ये जो मैसेज है ये सभी को आया है। अब ये मैसेज क्यों आया है, देखो कैसा होता है, कुछ डाटाज होता है, जब हमारे एडमिशन्स हो रहे थे तो कुछ डाटा कुछ कंपनी के पास स्टोर हो रहा था, हो सकता है वो कोई भी कंपनी हो सकती है, प्रोमाक हो सकती है, एट ऑल। अभी ये जो कंपनी है वो चेंज हो चुकी है, तो क्या हुआ है, चेंज होने के बाद क्या होता है, जो डाटा रहता है वो डाटा अगर एग्जाम्पल के तौर पर प्रोमार्क के पास है, ठीक है, आप लोग के पूरे बच्चों के एडमिशन का प्रोमार्क के पास कुछ डाटा है, अब उस डाटा को वो कंपनी से, तो उसका बॉन्ड खत्म हो गया आरटीएमएनयू का, तो उस डाटा को उठा के जो नई कंपनी है जो कि एमकेसीएल है, ठीक है, एमकेसीएल जो आप लोग की न्यू कंपनी है उसको दे देगा। लेकिन इसके बीच में क्या होता है, जो कंप्लीटली डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कोडिंग होती है, वो सब आप लोग को नहीं ध्यान रखना है, कुछ डाटा कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इस के कारण सभी बच्चों को ये जो ईमेल, मतलब आप लोग का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजा गया है, इसको खोलना है, क्या करना है, क्यों करना है, नहीं आया तो क्या करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग आ जाएंगे इस वेब जो आपको लिंक दी हुई है इसके ऊपर क्लिक करना है आप लोग को सिंपली। तो जैसे ही आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का यहाँ पे पेज देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली अपना जो आपका वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आया उसको पुट कर देना है। पुट करने के बाद आप लोग के सामने ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे कि डायरेक्ट एम के सी एल लिखना है कि नहीं, आपको डायरेक्टली एम के सी एल नहीं लिखना है, आप लोगों को जो लिंक दी हुई है उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अगर वो लिंक आप लोग को मैसेज नहीं आया, सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड आया, ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड आया हो, लिंक के साथ ही आया है, क्योंकि वो वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना है आपको, वो आर टी एम एन के लिए जो पोर्टल बना है उसके ऊपर जाना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। अब आप लोग कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर, अरे भाई ये उनकी ओरिजिनल वेबसाइट है लेकिन जो अपनी आर टी एम एन से जुड़ी है वो कुछ इस तरीके की है, तो आप लोग को यहाँ पर आके सिंपली लॉग इन कर देना है। अब क्या हुआ है, कुछ मतलब मैक्सिमम बच्चों को ये मिल गया है पर कुछ बच्चों को नहीं मिला है, तो क्या करना है, कुछ बच्चों को नहीं मिला है तो कॉलेज वालों की जान खाना है, ठीक है, और कोई भी ऑप्शन नहीं है, कॉलेज वालों के पास पूरा डाटा भेज दिया गया है। किसी कि कोई के बच्चा क्या करता है, नंबर डाल देता है एडमिशन के टाइम में कोई दूसरा, और फिर नंबर को वो भूल जाता है, तो वो वहाँ पर आ तो जाता है मैसेज लेकिन उसके तक नहीं पहुँचता है, तो फिर वो बोलता है मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, लेकिन सबको मिला है, नहीं मिला है तो कॉलेज वालों की जान खाना है, कॉलेज वालों के पास सब कुछ डाटा है, वो आप लोग को प्रोवाइड करके दे देंगे। अब ये क्वेश्चन एक और आता है कि कॉलेज वाले क्यों नहीं कर लेते, तो फिर कॉलेज वाले करोगे तो आप लोग हर बच्चे उनके पास जाओगे, बोलोगे ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, करके आप लोगों को ये काम इन लोगों ने खुद सौंप दिया है। तो अब इसमें क्या क्या करना है, आप लोग को सिंपली इस डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग को एक पाई चार्ट दिख रहा होगा, हरा का मतलब है कि इतनी जो आप लोग की प्रोफाइल है वो कंप्लीट हुई है, कुछ बच्चों की ये पूरी ग्रीन है। अगर पूरी ग्रीन है तो एक एक स्टेप चेक करना है, कहीं गलती तो नहीं है, और अगर ये नहीं है पूरी ग्रीन तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को फिर से अपने फॉर्म को एक बार फिल करना है। कोई बहुत बड़ा यहाँ पर काम नहीं है, कोई इंटरनेट कैफे की ज़रूरत नहीं है, किसी को आप लोग को 150 रुपये पे नहीं करना है, खुद ही अपने लैपटॉप या किसी दोस्त के लैपटॉप से कर लेना, बहुत इजी प्रोसेस, आप लोग को अच्छे से समझाने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखो। तो आप लोगों को फर्स्टली यहाँ पे फोटो और साइन के ऊपर क्लिक कर लेना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो है फोटो है और ये सब यहाँ पे अपलोड की हुई है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को फिर से डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग को जाना है रिजर्वेशन के ऊपर, जो भी आप लोग का
आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कर लेना है, जनरल हो और उसके साथ आप EWS हो तो इसके ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज आप लोग की जो भी यहाँ पर है उसको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर लिखना है सोशल रिजर्वेशन, मतलब आप क्या हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कलार हो, जो भी हो आप लोग का वो यहाँ पर लिख लेना है। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है तो भी अगर आप लोग की इच्छा तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है, कौन सी कैटेगरी में आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग इसको यहाँ पर लिखोगे तो ये अपने आप खुल जाएगा और यहाँ पे आप लोग को सर्च कर लेना है। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है, आप अगर डिसेबल्ड हो किसी भी तरीके से तो आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये आप लोग को यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिख रहे तो वो अगर हो आप तो करना है, नहीं तो अदरवाइज को छोड़ देना है। उसके बाद आप लोग का ऑक्यूपेशन ऑफ गार्डियन, आपके पिताजी या फिर आपको जो पढ़ाई करवा रहा है वो, उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखना है, इनकम कितनी है वो लिखना है, और यहाँ पर आप लोग को सिंपली अगर आप EWS के अंतर्गत आते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस्ड कर देना है। अगर मैं यहाँ पर करके आप लोग को दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप तो फिर आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हो, तो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ करनी है। देखो ये ऐसा आप लोग को बिना स्टिच वाला दिखता है तो आप लोग को छोड़ देना है, लेकिन हो सके तो पूरा ही फिल करो, कोई ऐसा बहुत इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा है। आप लोग को लिखना है आपके पापा क्या करते हैं, जो भी सर्विस प्रोफेशनल, और आप लोग को यहाँ पे सिंपली जो आपकी पापा की इनकम है वो उसको डाल देना है इनकम सर्टिफिकेट के अंतर्गत। फिर आप लोग को फिर से डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, फिर से आपको एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है, और आप लोग को यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल्ड की हुई है, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट है इन इसका जो जो इसका मतलब है कि कितने परसेंटेज थे इसके 10th 12th में, फिर अगर आप लोग की यहाँ पे सर्टिफिकेट को ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपका जो भी है, जैसे आपको 10th का करना है पहले तो बोर्ड, फिर आप लोग को लिखना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कॉलेज किस कॉलेज से किए, सर्टिफिकेशन, कॉलेज एड्रेस, मार्कशीट, गुणवत्ता नंबर, और यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को फिर से डैशबोर्ड में जाना है, फिर से एजुकेशन में जाना है, और यहाँ पर आप लोग को डिप्लोमा अगर आपने किए हो तो क्लिक करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर इस स्टूडेंट का 10th का तो भरा हुआ है, 12th का भी भरा हुआ है, यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे इसको प्रोसेस करके आगे चलना है। फिर ये दो चीज़ हो गया, फिर इसके बाद आप लोग को सिंपली एड्रेस के ऊपर आना है, आप कहाँ पर रहते हो। ये देखो ये बच्चे का यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ उसका एड्रेस, तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली जो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा है वो लिखना है, स्ट्रीट क्या है, एरिया क्या है, कहाँ पर रहता है, रूरल में रहता है, सेमी अर्बन में रहता है, अर्बन में रहता है, ट्रेबल में रहता है, फिर आप लोगों को कंट्री महाराष्ट्र है पता है, अगर आपकी कोई अदर कंट्री तो आप लोग को यहाँ पर सिंपली क्लिक करके चेंज कर देना है, जिला कौन सा है वो भी आप लोग करना है, शहर करना है, पिन कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है इस स्टूडेंट का नहीं है तो आप लोग को फिर से यहाँ पे क्लिक करके जो जो चीज़ मांग रहा है वो भरना है। अब यहाँ पर एस्ट्रिच नहीं है तो यहाँ पर भी आप लोग को भर देना है, कोई आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये आप लोग को करके सेव एंड प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को फिर से डैशबोर्ड में आना है, और फिर आप लोग को जाना है पर्सनल के ऊपर, फिर पर्सनल के ऊपर आप लोग को क्या करना है, कुछ ये कुछ स्टूडेंट का भरा हुआ है लेकिन कुछ का नहीं भरा हुआ है, तो नहीं भरा हुआ है तो देखो जो जो चीज़ मंगा है, अब यार MSc कर रहे हो इतनी चीज़ें तो आपको पता है कि क्या कहाँ पर लिखा और क्या की भरना है, तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली भर देना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम जाती है, प्रॉब्लम मेजर होना चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आप लोग मतलब सॉल्व ना कर सको, और सॉल्व ना कर सको तो आप लोग कॉलेज से कांटेक्ट करने, वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती नहीं है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जो जो चीज़ भरने बोला है वो भर देना है, आपने शादी की हो कि नहीं, आपका धर्म कौन सा है, नेशनल डिटेलिटी, नॉमिनी मतलब आपको नॉमिनी का नाम डाल देना है, फिर आप लोग को यहाँ पे आधार कार्ड की कोई डिटेल्स है वो डाल देनी है, फिर यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखा ये खुद ही यहाँ पे लिख के आएंगे, आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नॉमिनी का क्या रिलेशन है वो कर देना है, पैन कार्ड नंबर आपको डाल देना है, और ब्लड ग्रुप डाल देना है, और यहाँ पर यह लिखा है इसको टिक कर देना है, यहाँ पे क्यों टिक करना है, अबाउट ऑर्गन डोनेशन, ऐसा आप होते नहीं है ऑर्गन डोनेशन, और यहाँ पे तो आप लोग को नहीं करना है। जितनी चीज़ें यहाँ पे एस्टिच में दिया है उसको अच्छे से भरनी है, और जो नहीं दिया है उसको आप लोग अपने मन से लेकिन सही भरना है। उसके बाद फिर से आप लोग को इस डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, जैसे जैसे आप लोग स्टेप कंप्लीट करते जाओगे तो ये जो आप लोग का ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये कंप्लीट होते जाएगा। उसके बाद आप लोग को कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें यहाँ पे फिल की हुई है, लेकिन पेरेंट्स का नंबर आप लोग को डाल देना जो कि नहीं फिल किया हुआ है, और यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना है, फिर ऑटोमेटिकली आप लोग अगर इस डैशबोर्ड के ऊपर आओगे तो आप लोग को पूरा ग्रीन देखने को मिल जाएगा, और आप लोग को यहाँ पे छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आप लोग को भरने के बाद कॉलेज आप लोग का चेक करेंगी, तो यहाँ पर आप लोग को अभी तो मैंने भरा नहीं हूँ, अगर मैं भरा रहता तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्म मैंने भरा वो यहाँ पर लिख के आता, तो आप लोग जैसे लिख के आओगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, और यहाँ पे रिसिप्ट और डिटेल्स में भी अभी मैंने नहीं किया हूँ, जैसे आप लोग करोगे तो आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने यही बताने का ट्राई किया हूँ कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे,
सिंपली कुछ स्टेप्स है वो आपको फॉलो करनी है। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पूछनी है, प्रॉब्लम अगर मेजर है तो कॉलेज क्या करना है, कॉलेज जाके कॉलेज वालों को परेशान करना है कि हमारा काम करके दो, ठीक है। फिर अगर आप लोग का ये पूरा ग्रीन आता है तो आप लोग का जो फॉर्म है अप्लीकेशन स्टेटस में आ जाएगा। तो भी एक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो, हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि आप लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप हायर मैथमेटिक्स की वीडियो देखना चाहते हो, अगर आप केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखना चाहते हो, बीएससी के लेक्चर्स देखना चाहते हो, और अगर आप लोग के कोई छोटे भाई है, भाई ने बहन है, उन लोगों को आप लोग को 12th के इजी वे में लेक्चर्स देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हो। अगर आप लोग जावा देखना चाहते हो, जावा की सीरीज़ को पढ़ना चाहते हो, तो हमारे इस वीडियो पे सोमेश सर ने बहुत ही ईजी वे में पढ़ा के दिया है, तो उसको भी आप लोग विजिट कर सकते हो। पाइथन वाइथन भी सब भी अपलोड होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।